Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss syllabus of BSc first year या BA भी कह सकते हैं मैथमेटिक्स का, और ये विद्यापीठ का सिलेबस है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो ये सिलेबस है हमारा फर्स्ट ईयर का BA BSc फर्स्ट ईयर। मैथ जो है वो BA में भी चलता है, तो BA और BSc फर्स्ट ईयर के लिए ये मैथ का सिलेबस है। तो इसमें जो पहला पेपर है वो होता है एलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, और वो होता है मैक्सिमम 65 मार्क्स का। और उसी तरीके से जो दूसरा पेपर होता है वो होता है डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस, यानी डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। उसके बाद एक तीसरा पेपर आता है ज्योमेट्रिक एंड वेक्टर कैलकुलस, जो ज्योमेट्री और वेक्टर कैलकुलस के बारे में, और ये होता है 70 मार्क्स का। दूसरा पेपर होता है 65 मार्क्स का, और ओवरऑल ये हो जाते हैं 200 मार्क्स। सो जो बीएससी या बीए का फर्स्ट ईयर का मैथ होता है वो 200 मार्क्स का होता है। उसी तरीके से 200 मार्क्स का फिजिक्स भी होता है और 200 मार्क्स का केमिस्ट्री भी होता है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में 50-50 मार्क्स के सारे पेपर होते हैं और 50-50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो मैथ में हमारा जो एलजेब्रा पेपर है, सबसे पहले हम एलजेब्रा के बारे में बात करते हैं। तो ये पूरा पेपर जो है यूनिट फर्स्ट से लेके फोर्थ, तो सारे पेपर चार यूनिट के होते हैं यहाँ पे सारे पेपर। इसमें एलजेब्रा का जो पार्ट है, एलजेब्रा यहाँ पे तीन यूनिट में आता है, यानी लगभग यूनिट फर्स्ट से लेके थर्ड तक एलजेब्रा है पूरा। उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री है वो केवल यूनिट फोर है, लेकिन 65 मार्क्स में से ये करीब करीब 25 मार्क्स कवर करता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, 25 मार्क्स सिर्फ एक यूनिट में, और यहाँ पे आपका 40 मार्क्स होगा लगभग तीन यूनिट में। तो कह सकते हैं ये छोटा सा पार्ट होता है, लेकिन ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, और ये स्कोरिंग होता है, यहीं से स्कोर उठता है इस पेपर में। एलजेब्रा में कई चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, जैसे यूनिट वन में है जो इंटर से खास रिलेटेड नहीं है, यहाँ आएगा सिक्वेंस, जो पढ़ा नहीं है इंटर में ऐसा, सीक्वेंस या कन्वर्जेंस, कुछ सीरीज़ होती हैं जिनका सीक्वेंस कन्वर्जेंस, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। फिर इसमें आपका यूनिट सेकंड में आता है ग्रुप वगैरह, ग्रुप थ्योरी, जो यूनिट सेकंड है इसमें, उसमें हम पढ़ते हैं ग्रुप थ्योरी वगैरह, यूनिट सेकंड में ग्रुप थ्योरी। तो ये भी नई चीज़ है इंटर वालों के लिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें कभी पढ़े नहीं हैं, तो ये काफ़ी नया है। फिर उसके बाद इसका जो यूनिट थर्ड में हम रिंग पढ़ते हैं, जो ग्रुप के बाद आता है और कुछ उसी बेसिस पे काम करता है ग्रुप। इसमें फिर होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ये सारी चीज़ें आती हैं, यानी एक तरह से बिल्कुल ये अलजेब्रा नया है। जो अलजेब्रा आप पढ़े हैं इंटर में वो यहाँ काम आने वाला नहीं है, जो प्लस टू में पढ़े हैं। तो जो ट्रिग्नोमेट्री वाला सेक्शन है, यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें पढ़े हैं वो काफ़ी काम का है, तो वो बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले पहले से पढ़े हुए हैं वो सारी याद होनी चाहिए। हम यूनिट फोर तभी पढ़ेंगे जब वो सारी चीज़ें पहले से तैयार हों। तो बहुत ज़रूरी है कि पहले फर्स्ट ईयर का स्टार्ट करने से पहले ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक सारी चीज़ें पीछे का पढ़ के तैयार रहिए, जब हम यूनिट फोर पढ़ेंगे उस समय। यहाँ पे दो तीन टॉपिक से ही यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन, जो कि लगभग 25 मार्क्स कवर करता है। तो ये काफ़ी छोटी यूनिट है और नंबर काफ़ी ज़्यादा आता है यहाँ से, तो ये कुछ सुना सुना लगेगा। इसमें हम पढ़ेंगे कम्प्लेक्स फंक्शन या कम्प्लेक्स नंबर, इनके बेसिस पे ये हम जानते हैं जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई को हम कम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, इस तरीके के नंबर को जहाँ पे एक्स और वाई अलग अलग रियल होता है लेकिन कंबाइन रूप में ये एक कम्प्लेक्स नंबर होता है। तो ये चीज़ें आएंगी, कम्प्लेक्स आएगा, फिर उसके अंदर साइन थीटा कॉस थीटा या यूलर्स का थ्योरम जो पढ़े हैं, यूलर्स ई टू द पावर आई थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो ये सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। तो इस तरह से ये पहला पेपर कम्प्लीट होगा। तो एलजेब्रा की चीज़ें जो हैं वो पूरी तरीके से नई है, जो काफ़ी चीज़ें नई नई लगेंगी, कोई भी चीज़ पढ़ा हुआ नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ चीज़ें जानते हैं, कम्प्लेक्स वगैरह पढ़े हुए हैं, कम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा, और या डिमाइवर्स थ्योरम वगैरह, वो सारी चीज़ें।
डिमॉगन्स लॉ ये सब यहाँ पे यूज हो जाएगा। और उसी तरीके से दूसरे वाले पेपर में जब हम आएंगे तो डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, इसमें आपका यहाँ भी यूनिट फर्स्ट से लेके थर्ड तक आपका डिफरेंशियल कैलकुलस है और इंटीग्रल कैलकुलस केवल यूनिट फोर है। तो केवल एक ही यूनिट इंटीग्रल है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन तो हमें आना ही चाहिए, जो बेसिक चीज़ें हैं इसमें डिफरेंशियल वगैरह हमको आना चाहिए और इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन आप पढ़े हैं वो चीज़ें काम आ जाएंगी। और इंटीग्रल में यहाँ कुछ नई चीज़ें मिलेंगी, बीटा गामा फंक्शन, बीटा गामा फंक्शन आएंगे, ये वहाँ यूज होते हैं जहाँ इंटीग्रल आसानी से नहीं हो पाता है, जो हमने बेसिक लॉ पढ़ रखा है। तो कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनका इंटीग्रेशन आसानी से नहीं होता, रिडक्शन लॉ हम पढ़ेंगे यहाँ। तो ये सब ऐसे लॉज हैं जिससे कितना कठिन से कठिन भी इंटीग्रेशन होगा उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। उसी तरीके से डिफरेंशिएशन में कुछ चीज़ें कॉमन होंगी जो इंटर में थी, जैसे कॉन्टीन्यूटी वगैरह, डिफरेंसिबिलिटी, तो ये सब यहाँ पे आएगा कॉन्टीन्यूटी, कॉन्टीन्यूटी, डिफरेंसिबिलिटी। ये सारा यहाँ काम का है। कुछ इसमें और पार्ट मैक्सिमा मिनिमा वगैरह भी पढ़े हैं, वो चीज़ें भी यहाँ मिलेंगी, मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा। तो कॉन्टीन्यूटी के लिए क्या करते हैं और डिफरेंसिबिलिटी इस तरीके से, और कुछ नए नए चैप्टर भी यहाँ पे जुड़ते हैं एनवेलप या उस तरीके से करके, जो सुना हुआ नहीं है, जो चीज़ें जानते हैं इंटर से वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये चीज़ें आप इंटर की पढ़े रहें, डिफरेंसिबिलिटी, कंटिन्यूटी या मैक्सिमा मिनिमा, जितनी चीज़ें जानते हैं वो आप रिविज़न करते रहिए। जब से स्टार्ट शुरू होता है, क्लासेस स्टार्ट होती हैं फर्स्ट ईयर की, अभी तो कुछ स्टार्ट हो नहीं पाया है नए सेशन में, जान ही रहे हैं जो प्रॉब्लम चल रहा है उसकी वजह से। तो ज़रूरी है कि जो बेसिक चीज़ें हैं, कम्प्लेक्स नंबर वगैरह पढ़ते रहिए, ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते रहिए, यहाँ से ये चीज़ें पढ़ते रहिए, कंटिन्यूटी, डिफरेंसिबिलिटी या मैक्सिमा मिनिमा वगैरह, ये सारा ये चीज़ तो नया है, ये नहीं पढ़ पाएंगे उसी तरीके से। और यहाँ भी ये पार्ट बहुत स्कोरिंग है, जैसे इसका ट्रिग्नोमेट्री एक ही यूनिट था लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त होता है, 25 मार्क्स कवर करता है, उसी तरीके से इसमें भी वही आंकड़ा है, लगभग 25 मार्क्स ये भी कवर करता है। तो एक ही यूनिट काफ़ी स्कोरिंग रहता है और ये तीन यूनिट तो जाहिर सी बात है लेंथी होगा ये, और लगभग 40 मार्क्स को कवर करेगा। ठीक है, ऑप्शंस होते हैं लगभग हर क्वेश्चन में, लेकिन सारी यूनिट पढ़ना ज़रूरी होता है। पेपर जो थर्ड है, थर्ड पेपर है हमारा ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस, तो इसमें भी उसी रूल से है, जो ज्योमेट्री है वो होता है तीन यूनिट, तो फर्स्ट से लेके थर्ड तक यहाँ भी ज्योमेट्री होती है, और जो वेक्टर कैलकुलस है वो एक ही यूनिट होता है, यूनिट फोर, फोर्थ। अब ज्योमेट्री में कुछ नई नई चीज़ें यहाँ पढ़ेंगे, कॉनिक सेक्शन वगैरह, सिलेंडर, सिलेंडर और कोन, कुछ प्लेन वगैरह पढ़े हैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं इंटर में, वो चीज़ें मिलेंगी यहाँ। तो कोन्स आएंगे, कॉनिक आएगा, सिलेंडर हो गया, तो इस तरीके से ज्योमेट्री एक काफ़ी बड़ा सेक्शन है। कुछ चीज़ें जो नई हैं वो हम नहीं बता रहे हैं, वो सारी चीज़ें सिलेबस में मिल जाएंगी, जो विद्यापीठ का वेबसाइट पे मिल जाता है या फिर हम भी इसको प्रोवाइड करा देंगे। तो ये सारी चीज़ें ज्योमेट्री के अंतर्गत पढ़नी है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ के लिए आनी चाहिए, जो सारा हम पढ़े हैं इंटर लेवल तक वो सारा रिविज़न करते रहिए इसके लिए, ज्योमेट्री वाला सेक्शन। वेक्टर कैलकुलस में आता है आपका डाइवर्जेंस, वेक्टर का मतलब कि स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस तो आप जानते रहिए, वेक्टर के बेसिस पे ही हम कैलकुलस करेंगे। यहाँ पे डाइवर्जेंस या कर्ल, ये सारी चीज़ें वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन वगैरह या मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें होंगी जो बेसिक है, कुछ फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा वेक्टर का प्रोडक्ट या सम कहें या डिविज़न इस तरीके का, तो वो चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। डाइवर्जेंस कर्ल होगा, उसके बाद दो तीन थ्योरम यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो गॉस थ्योरम है, ग्रीन्स थ्योरम है और स्टोक्स थ्योरम, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ भी ये तो
करीब 30 मार्क्स कवर करता है, करीब करीब 30 मार्क्स, एक ही यूनिट है लेकिन 30 मार्क्स को कवर करता है, और इधर वाला जो सेक्शन है वो करीब करीब 40 मार्क्स, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हम इंटर में बहुत चीज़ें पढ़े हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें रिवीजन करते रहिए। ये सारा थ्योरम तो नया है, वो यहाँ आने के बाद ही समझ में आएगा फर्स्ट ईयर जब पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले डाइवर्जेंस कर लिए थोड़ा थोड़ा, अब इंटर से पढ़े हैं उसको रिवीजन करते रहिए। अब रह गई बात, तो ये सारा कुछ सिलेबस था, और इसके अंदर के जो सारे मैटर हैं यूनिट वाइज वो हम पीडीएफ में सेंड कर देंगे, या इसके लिंक में मिल जाएगा। तो अब इसके बुक के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बुक जो सिलेबस के हिसाब से आता है मैथ के लिए वो ज़्यादा बेस्ट है, काफ़ी अच्छी बुक अगर लेंगे तो वो पढ़ नहीं पाएंगे, काफ़ी लंबा होता है उसमें। तो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग्स बुक्स आ रही हैं विद्यापीठ के लिए वो भी काफ़ी हैं, कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सिलेबस के हिसाब से आती हैं कुछ बुक्स जो मार्केट में बड़ा ईजिली अवेलेबल हैं, अभी भले ना आया हो लेकिन कुछ दिन में अवेलेबल हो जाएंगी। तो उसमें आता है, एक तो है आपका कृष्णा पब्लिकेशन, तो मैथ के लिए इससे भी आपका काम चल जाएगा। अगर ये नहीं भी मिलता है तो फिर आप ले सकते हैं, एक आरपी पब्लिकेशन आता है, तो दोनों ही मैथ के लिए ठीक है। ये काफ़ी इजी लैंग्वेज में है, इसमें अच्छे क्वेश्चन भी होंगे और थोड़ा इजी भी होगा, लेकिन ये एक तरह से मैथ्स के लिए काफ़ी अच्छा है, इजी के लैंग्वेज के हिसाब से बेस्ट है। तो ये दोनों काफ़ी हैं, नहीं तो अदर तो काफ़ी बुक्स आती हैं जो आपके सिलेबस में विद्यापीठ के सिलेबस में नीचे लिखा होगा, लेकिन वैसी बुक खरीद के आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, वो काफ़ी टफ़ लैंग्वेज में होता है, ज़्यादातर फॉरेनर बुक का नाम वहाँ पर लिखा है। तो यहाँ के लिए ये मच बेटर है, बहुत ही अच्छा, आपके इस लेवल तक के लिए काफ़ी ठीक है। इस थर्ड वाले पेपर के लिए हम रिकमेंड करेंगे कि आप आरपी को लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी फर्स्ट और सेकंड के लिए कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कृष्णा भी ठीक है, तो जो भी मिल जाए दोनों में से ठीक है, या फिर अगर ये ना भी मिले तो वंदना अगर मिल जाए, वंदना पब्लिकेशन, तो ये सारे पब्लिकेशन है, राइटर नहीं है, ये पब्लिकेशन है, तो इनमें से आप कोई भी बुक्स ले सकते हैं, सारी ठीक है, वो सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आपको ज़्यादा कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें दी हुई हैं वो सारी की सारी पढ़नी ही है, उसमें से कुछ छोड़ना भी नहीं है। तो ये रहा सारा कुछ कैलकुलेशन, और कुछ स्ट्रेटजी अपना बना लीजिए, क्योंकि ये सत्र ऑलरेडी बहुत लेट चल रहा है, तो जितना जल्दी हो सके आप इसमें आ जाइए कि हमें पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स तो यूजीसी को निर्धारित करना है, वो अप्रैल मार्च मई जो भी चाहेगा वो एग्ज़ाम करा लेगा, लेकिन कोर्स को पढ़ाना, उसको ख़त्म करना और हमें समझ में आए, तो उसके लिए तैयारी अभी से शुरू करना होगा। तो जितनी जल्दी आप तैयार रहेंगे उतनी जल्दी से क्लासेस को ज्वाइन करके आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।